हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बीज वाले डॉट कॉम से मंगाया हुआ बीज। फ्रेंड्स, मैं एक बार गूगल पे सर्च कर रहा था पिटूनिया के बीज, तो मुझे बीज वाले का वेबसाइट मिला था और मैंने ऑर्डर किए हुए मेरे ऑर्डर किए हुए कई दिन हो गए, पर मेरा ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो मेरे को लग रहा था कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है, क्योंकि पेमेंट पहले ही कर चुका था मैं। तो ये फ्रेंड्स, 2 हफ्ते बाद मेरा बीज आ गया है और ये है बिल, जिसमें जो भी बीज वगैरह हैं उसके नेम वगैरह हैं। आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या प्राइस पड़ा है उसको। और इन बीजों में फ्रेंड्स, एक बीज मेरे को 1 रुपए का मिला, जीनिया का बीज। अच्छा बीज था, उगाया था तो उगा था। ट्रस्ट बास्केट में यही जीनिया के बीज 40 रुपये पैकेट के मिलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बीज का दे रहा था 1 रुपए, और एक ही पैकेट ऑर्डर के लिए दे रहा था। बाकी जो बीज के जो पैकेट हैं वो आप कितने भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जीनिया का सिर्फ एक पैकेट दे रहा था 1 रुपए में, बाकी और उसमें ऐड करने पर नहीं दे रहा था। और ये जो पेपर में लपेट के भेजा हुए एक ग्लेडियस का बल्ब है, और ये वाला मैं उगाया था तो ये वाला एकदम मस्त उगा। आप देख सकते हैं कितने स्वस्थ पौधे हैं। 4 बल्ब थे और 4 बल्ब से 5 पौधे निकले हैं, और पौधे एकदम स्वस्थ हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तब और भी उसको किसी वीडियो में डालूँगा, अभी के लिए यही है। और बाकी जो भी बीज थे फ्रेंड्स, उसमें से कुछ बीज उगे और कुछ बीज नहीं उगे, शायद मेरे लगाने में कोई दिक्कत हुई होगी। और ये है वो जिनिया का बीज जो 1 रुपए में मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, उगाया था तो काफ़ी अच्छे से उगा था ये वाला, और बाकी सभी बीज ठीक ही थे। इसमें से कोई एक या दो ठीक से नहीं उग पाया, तो शायद मेरे लगाने में कोई दिक्कत हुई होगी। कोकोपीट और कंपोस्ट करके मैंने जिसमें मुझे लगाना था, जिस गमले में, उसमें पहले भर के पहले तो प्लेन किया, और इसके बाद सीड में फंगीसाइड मिलाकर उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे छिड़क के उसके ऊपर फिर से कोकोपीट का परत कर दिया था। सभी को सेम मेथड से जगाया था, तो कुछ पौधे उगे और कुछ नहीं उगे। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से बीज बिल्कुल मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बीज वाले में काफ़ी, बीज वाले डॉट कॉम से काफ़ी सस्ता मिलेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही था, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।